यात्रियों की सुरक्षा कड़ी करने के लिए रेलवे पुलिस ने आयोजित किया जागरूकता अभियान। हाल ही में मदुरई में ट्रेन में आग लगने की घटना और वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों पर पथराव की घटना को देखते हुए रेलवे पुलिस ने ट्रेन में आग से बचने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तथा आरपीएफ अधिकारियों ने जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें आसाम और सिलगुड़ी जाने वाली विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों के साथ जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही रेल हक्का मुक्त ट्रेन चाहता है, इसलिए जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। आज हम लोग अवेयरनेस जागरूकता एक अभियान के तहत ये हम लोग पैसेंजरों को सचेत कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग गाड़ी में जो चल रहे हैं अच्छे से यात्रा करें। किसी भी तरह का कोई भी खतरनाक सामान या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या कोई भी विस्फोटक पदार्थ, ऐसी किसी भी तरह की गलत चीज़ों को लेकर के यात्रा न करें या अपने पास उसको न रखें, क्योंकि इससे क्या होगी, आपका भी नुकसान होगा, बाकी सबका नुकसान होगा, बहुत बड़ी क्षति भी हो सकती है। फिलहाल कुछ समय पहले ऐसी बहुत बड़ी घटना हो भी चुकी है मदुरई में, तो इसलिए हम लोग पैसेंजर को पूरी तरह से यह जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी गलत चीज़ें साथ में ना रखें, अपने भी ना रखें, किसी को रखने भी ना दें। अगर जिस तरह की चीज़ों के साथ अगर जो पकड़ाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त सजा होगी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से हर टाइम हर समय हर गाड़ी में कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, पब्लिक को अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि इस तरह की कोई चीज़ें ना, और हॉकर से संबंधित चीज़ों पे भी हम लोग पूरी तरह से अपना काम अपना अभियान अपना कर रहे हैं, ताकि पूरी तरह से हमारा रेलवे पर विशेष रेलगाड़ी पूरी तरह से हॉकर मुक्त हो और सभी को आजू बाजू में जो गांव है उसका कोई जो एनिमल है वो रेल के कभी कभी आ जाता है, उसके लिए कुछ गाँव में जाके अवेयरनेस कुछ, इसमें भी हम लोग पूरी तरह से एक रेलवे लाइन के नज़दीक गांव के साथ मिल करके एक हम लोग वहां भी जागरूकता अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि इसमें किसी तरह का कोई कैटल या एसीपी या कोई स्टोन पेंटिंग इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होने पाए, खास करके कैटल से संबंधित कोई भी चीज़ें न हो, ताकि कोई भी बड़ी घटना न होने पाए, और कोई भी घटना होने पर मैंने इस तरह की कोई गलती न हो कि ताकि कोई घटना हो पाए, इसलिए उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से हर हमेशा कर रहे हैं, अवेयरनेस अभियान चल रहे हैं, और अवेयरनेस अभियान के साथ जागरूकता अभियान के साथ हम लोग गांव में अगल बगल नजदीक ले रहे सबको हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और उनको ऐसे कन्वर्सेशन क्यों है, क्यों ऐसे टाइप क्यों, इसलिए इससे कोई बड़ी घटनाएँ ना हो, रेल की क्षति ना हो, पैसेंजर का नुकसान ना हो, पैसेंजर का किसी भी तरह का कोई क्षति ना हो, जो भी यात्रीगण हैं अपने डिस्टिनेशन को सही से पहुँचे, जहाँ से भी उनकी यात्रा शुरू हो रही है और अंत तक की यात्रा पूरी तरह से स्वस्थ और सुसज्जित रूप से अपनी यात्रा को पूरी करें। हम लोगों का पूरा तन मन धन से यही कोशिश है कि वो अपनी यात्रा सही। कुछ दिन आगे वो मदुरई में एक रेलवे में आग लग गया था, उसका बाद में आप लोगों का ऐसा कोई नहीं, एक तो अवेयरनेस जागरूकता हम लोग पहले से ही कर रहे हैं और हम लोग पहले से ही जागरूकता अभियान को पूरा करते हैं, करते रह रहे हैं, लेकिन यह एक उदाहरण हो गया है और इसको और जोर शोर में की जा रही है, ताकि ऐसी दोबारा कोई घटना नहीं घटने पाए और इस तरह की कोई दूसरी घटना को चांस नहीं मिले। कौन सा घटना जो मदुरई में अभी हुआ, क्या हुआ? कोई कुछ आग की जो घटना हुई है ट्रेन में, अग्निकांड की घटना हुई है, इसलिए हम लोग और जागरूकता अभियान को थोड़ा तेज गति से और पूरी तेज गति से इसको कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की ऐसी कोई घटना ना हो। आज क्या प्रोग्राम किया, आज क्या कौन सा ट्रेन में क्या हुआ? आज का प्रोग्राम हम लोग का वो जागरूकता अभियान से ही संबंधित है, अवेयरनेस प्रोग्राम से ही संबंधित है। हम लोग पैसेंजर को आगाह किए, सचेत किए, बताए, ताकि इस तरह की कोई भी गलत चीज़ें जैसे ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या कोई भी ऐसी गलत चीज़ें, स्टोव हुआ, सिगड़ी हुई, छोटे सिलेंडर टाइप के गैस हुए, इस तरह की लेके यात्रा ना करें, स्मोकिंग ना करें और कोई भी सिगरेट बीड़ी वगैरह का इस्तेमाल न करें ट्रेन के साथ, इस तरह से कभी भी बड़ी घटना होने का संभावना होता है, इसके संबंध में अवेयरनेस। आपका नाम और परिचय कहेंगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, अभी हम रिसेंटली 24 दिन पहले यहाँ पर ज्वाइन किए एज ए पद से सब। कौन सा स्टेशन? ये जलपाईगुड़ी रोड आरपीओ पोस्ट। थैंक यू।